तो गाइज आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप ये बताओ कि जो एडजस्ट जो पंखड़ी होती है लोहे की या प्लास्टिक की, दोनों में से कौन सी ज़्यादा हवा देती है जो हम खरीदे, तो वीडियो बनाकर आप बताओ। उसके लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में रहा होगा, इनके दोनों फीचर बताने वाला हूँ, कौन सी ज़्यादा देगी, कौन सी कम देगी और कौन सी लंबे सालों तक चलेगी। तो वीडियो पर बने रहना और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो वीडियो को करते स्टार्ट, सबसे पहले आपको बता दूं जो एडजस्ट जो कूलर होता है, बड़ा जो कूलर आता है लगभग 8,500 या 10,000 के बीच में जो रेंज में जो कूलर आता है, बड़ी जो घास लगती है और उसमें जो आपको एडजस्ट पंखड़ी दिख रही होगी, ये पंखड़ी लगती है। तो उसमें क्या होता है, मोटर भी भारी आती है, ज्यादा राउंड की आती है, आरपीएम आती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कूलर लाते हैं तो उसमें प्लास्टिक के कूलरों में ज्यादातर तो ये प्लास्टिक लगी होती है, लोहे के कूलर में लोहे की लगी होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो आरपीएम है, जो आरपीएम का मतलब है राउंड प्रति मिनट, मतलब कूलर का जो मोटर होता है उसका जो आरपीएम है वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी पंखड़ी की, उसकी स्पीड निर्भर करेगी आरपीएम पे। हाँ दोस्तों, जैसे एक कूलर है उसको आरपीएम है 1500 राउंड प्रति मिनट है एक मिनट में, और किसी का 2000 है, किसी का 1800 है, किसी का 1000 है। दोस्तों जितनी ज़्यादा मोटर की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा पंखड़ी ज़्यादा हवा देगी, क्योंकि दोस्तों जैसे 5 राउंड ले रही है तो 5 बार ही घूमेगी, अगर 10 राउंड वो लेगी तो 10 बार ये घूमेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे 1500 राउंड प्रति मिनट किसी कूलर में है तो 1500 बार एक मिनट में ये पंखड़ी भी घूमेगी और मोटर भी घूमेगी, जितनी बार मोटर घूमेगी उतनी बार ही तो पंखड़ी घूमेगी। तो मैं आपको बता दूं जो ब्लेड है, जैसे ब्लेड आपको बता दूं मैं किस प्रकार से आती है, और जो ज़्यादातर ये जो एडजस्ट आती है ऐसी जो उल्टी घूमती है, मतलब जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। तो मैं आपको बता दूं, और जो पंखड़ी आती है दूसरी जो खेतान कूलर में आती है वो सीधी घूमती है घड़ी की दिशा में। तो ये पंखड़ी है और ये प्लास्टिक की, हाँ दोस्तों ये पंखड़ी प्लास्टिक की है, और ये आपको जो पेच दिख रहे होंगे ये पेच नहीं है दोस्तों, ये बनावट है, और इसमें आपको पेच दिख रहे होंगे, मैं आपको पेच बता दूँ, आपको दिख रहा होगा इसमें पेच लगे हुए हैं, और काफ़ी भारी है पंखड़ी दोस्तों ये, और काफ़ी हल्की है। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आता है कि देखिए हल्की है तो कम हवा देगी या भारी है तो ज़्यादा देगी, और कभी कभी ज़्यादा कमेंट ये आ रहे थे कि जो भारी होती है वो कम हवा देती है और जो हल्की होती है वो ज़्यादा हवा देती है। तो आपको बता दोस्तों, आप सोच रहे होते हैं कि जो भारी होती है ज़्यादा हवा काटती है और ज़्यादा देगी और ये कम देगी, तो इसमें दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड, पंखड़ी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोटर के ऊपर डिपेंड करेगी, मोटर में अगर ज़्यादा राउंड हो गए तो उस हिसाब से घूमती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।